सो हाय गाइज, और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप रियल बैकग्राउंड मैनिपुलेशन फैंटेसी डेविल किंग फोटो एडिटिंग कर सकते हो। सो गाइज, टाइटल से ही आपको पता होगा कि मतलब कि फोटो एडिटिंग कितना ज़्यादा ऑसम होने वाला है। तो अगर इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई के यानी कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ऐसी वीडियोज़ देखते रहने के लिए। और बेल आइकन को इसलिए मैं प्रेस करने बोल रहा हूँ ताकि गाइज मेरा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए और सबसे पहले ऐसा एडिटिंग करके सबको इंस्टाग्राम पर चौंका सको। सो गाइज, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा और अपने भाई के चैनल को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज के सौसम सर कमल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट पर ओपन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड फोटो पर चले आना है, ये जो आपको ऐड फोटो का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मतलब कि विंग्स वाले PNG को ऐड करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बैकग्राउंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से एडजस्ट कर देना है बैकग्राउंड पर। और गाइस, आप देख सकते हो ये विंग इस बैकग्राउंड पर कितना ऑसम लग रहा है, और ये डेविल वाले विंग्स हैं। अब गाइस अगेन हम यहाँ पे चलेंगे FX पर, और FX पर आने के बाद हमको यहाँ एक ब्लर का ऑप्शन मिलता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक मोशन ब्लर को ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसका मैं थोड़ा फेड बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा डन, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डन कर दिया। अब जस्ट मैं स्क्रीन पर कहीं भी टैप करूँगा और यहाँ पे ऐड फोटो पर चले जाने के बाद अपने मॉडल को ऐड कर दूंगा। सो गाइस, मैंने अपने मॉडल के बैकग्राउंड को पहले ही इरेज कर रखा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप जानना चाहते हो किस तरह से मैंने इसका मॉडल का बैकग्राउंड इरेज किया, तो गाइस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लेते हम अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे डन। अब हम यहाँ पे सिंपली चलाएंगे ऐड फोटो के अंदर अगेन। अब यहाँ पे हम एक PNG ऐड करेंगे जो कि है ये वाला ओवरले का PNG। इसको कुछ इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे फिल कर देना है और कुछ इस तरह से इसको बॉटम पर लगा देना है। इसका कलर गाइज आपको यहाँ पे ब्राउन दिख रहा होगा, तो गाइज सबसे पहले हम इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। तो हम इसे सैचुरेशन को सिंपली कम कर देंगे और ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे डन, ठीक है। और अब गाइज आप देख सकते हो मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन पर। देन इसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा ओपेसिटी कम करेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम कर देंगे डन। अब यहाँ पे हम ऐड फोटो पर चलेंगे और एक टेक्स्ट के PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके इस फोटो पर ऐड कर देना है। इसका बैकग्राउंड इरेज करने के लिए सिंपली आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब गाइस आप देख सकते हो एक क्लिक पर इसका बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद कर लूँगा डन, ठीक है। डन करने के बाद इस फोटो को हम सेव करेंगे। और गाइज इस फोटो को हम सेव करने से पहले इस पर एक सींग वाला PNG लगा देते हैं, डेविल वाले सींग वाले PNG। तो गाइज सिंपली आपको चले आना है टूल्स पर, और टूल्स पे सबसे पहले यहाँ पर आपको चले आना है स्टिकर में। स्टिकर में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको ऊपर में सर्च में क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है डेविल, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डेविल सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत सारा PNG मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम ये रेड वाला जो सींग वाला PNG ना, ये वाला इसको कुछ इस तरह से हम क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और कुछ इस तरह से इसको हम हेड के ऊपर लगा देंगे ताकि गाइस जैसा लगे जैसा हमारा मॉडल एक डेविल है। और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली ऊपर में डन कर देंगे। तो अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दे देता हूँ, एक बार देखिए कितना ऑसम लग रहा है। यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा डन। अब इस फोटो को हम सेव करेंगे। सो गाइस सेव करने के बाद हम सेम फोटो को ओपन करेंगे लाइट रूम में, क्योंकि गाइस इसका थोड़ा कलर ग्रेडिंग करना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने लाइट रूम को सिंपली ओपन कर लिया। मैं चले जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर और उस फोटो को ऐड कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लिक में वो फोटो ऐड हो जाएगा मेरे लाइट रूम में ऑल फोटोज़ पर। तो उस फोटो को हम सिंपली ओपन कर लेंगे। अब गाइज यहाँ पे मैंने उस फोटो को ओपन कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब गाइज आप देख सकते हो मतलब ये फोटो कितना ऑसम लग रहा है। लेकिन गाइज थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग फेस के ऊपर सबसे पहले हम करेंगे। तो यहाँ पर हम चलाएंगे कलर के ऊपर और यहाँ पर हम चलाएंगे मिक्स के ऊपर। देन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे ऑरेंज कलर को। ऑरेंज के हम सेचुरेशन को कुछ इस तरह से कम करेंगे जैसे कि आप देख रहे हो गाइज। तो गाइज ऑरेंज का सेचुरेशन कम करने के बाद इसका हम लुमिनेंस बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कर लेंगे डन। सो गाइज मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इसका बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ आपको। सिर्फ स्किन का कलर एडजस्ट करने से आप देख सकते हो कितना ऑसम लग रहा है फोटो। अब हम थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसका हाईलाइट्स को माइनस कर देंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अगर गाइज आपको ये सभी कुछ समझ नहीं आता तो गाइज आप सिंपली ऑटो टूल का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ऑटो टूल का यूज़ करके दिखा देता हूँ। ऑटो टूल का यूज़ करने के बाद मैं इसका कॉन्ट्रास्ट को कुछ इस तरह से हल्का सा प्लस करूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ा बाकी सब चीज़ों को छेड़ लूँगा, जैसे कि यहाँ पे कलर में आ जाऊँगा, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर माइनस कर दूँगा। उसके बाद इसका थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम चले आएंगे मिक्स पर। देन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे येलो कलर को। सो गाइस फोटो पर हमारे येलो नहीं है, तो गाइस येलो का सेचुरेशन को हम पूरा कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन के साथ भी हमको यही करना है सेम, और यहाँ पर ब्लू के साथ भी हम सेम यही करेंगे। सो गाइस चले आते हैं चलिए ब्लू की तरफ, और ब्लू का सेचुरेशन हम पूरा कम कर देंगे। देन इसका थोड़ा सा हम ह्यू को भी कम करेंगे कुछ इतना। अब यहाँ पे हम कर देंगे डन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टूल जो कि क्लैरिटी वाला, इसमें आ जाना है और इसमें टेक्सचर भी 10 ऐड कर देंगे और क्लैरिटी को भी 10 ऐड कर देंगे। मैं आपको वैल्यू भी बता दे रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पे आपको विग्निटी अमाउंट को कुछ इस तरह से माइनस कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, विग्निटी अमाउंट माइनस करने से कितना ऑसम लग रहा है हमारा फोटो। और यहाँ पे आएंगे ट्रायंगल पर और शार्पनिंग नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन बढ़ा देंगे। सो गाइस, यहाँ पे मेरा कलर ग्रेडिंग हो चुका है, बिफोर आफ्टर देख लीजिए आप। लेकिन गाइस अभी भी इसमें एक कमी लग रहा है, जो कि एक लिफ्ट शैडो सा, क्योंकि गाइस अगर इसमें लिफ्ट शैडो आने लगे ना, फोटो हमारा बहुत ही ऑसम लगने वाला। तो सिंपली हम चलेंगे प्रीसेट में ये वाले आइकन पर, और यहाँ पर आपको जस्ट जहाँ पर कर्व दिख रहा है ना ये जगह, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपका पहले से कुछ और रहेगा, यहाँ पे कलर रहेगा, तो आपको कर्व सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे आपको लिफ्ट शैडो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डन। सो गाइस, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लिफ्ट शैडो सिलेक्ट किया कितना ऑसम लग रहा है फोटो। तो जस्ट मैं इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को माइनस कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो फोटो हमारा कितना ऑसम लग रहा है। इसका मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। अब गाइस, इस फोटो को हम शेयर में क्लिक करके सेव कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारा कलर ग्रेडिंग और फोटो एडिटिंग हो चुका है खत्म। तो गाइस, इसको हम सेव कर लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ऐसा एडिटिंग सीख पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।